अभी दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और मैं एक्चुअली में कायरो एयरपोर्ट पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग जो अलाउड नहीं थी, तो मैं थोड़ा से बना पाया था जो आप लोगों को बताया था। मैं दुबई जा रहा हूं और अब मैं दुबई एयरपोर्ट पर आ चुका हूं। यहां पर टर्मिनल वन पर हमारी फ़्लाइट आई है, इजिप्ट एयर की फ़्लाइट थी। टर्मिनल वन पर हम लोग आए हैं और यहाँ इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ रहा। बस हमने अपना वीज़ा दिया, जो हमारा ई वीज़ा था उसका प्रिंट आउट दिया और अपना पासपोर्ट दिया, दैट्स इट। इन्होंने हमसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा, ऑल्दो मैंने पढ़ा था वेबसाइट पर कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर मांग सकते हैं, बट हमसे नहीं मांगा। और आई थिंक विद इन 2-3 मिनट्स हमारा इमिग्रेशन हो गया है सक्सेसफुली। ऑल्दो क्यू बढ़ी थी इमिग्रेशन की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी विजिटर्स हैं एंड क्योंकि ये दुबई का पीक टाइम भी चल रहा है फेब्रुअरी ये मंथ, तो इसलिए काफ़ी लंबी लाइन थी यहाँ पर इमिग्रेशन पर। लेकिन एक्चुअल इमिग्रेशन जो है वो काफ़ी स्मूथली हो गया और बहुत कम टाइम लगा हम लोगों को। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर आप जो मैनुअल काउंटर है जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होते हैं, अगर आप वहाँ से इमिग्रेशन कराते हैं तो आपको एक डू का मोबाइल सिम कार्ड मिलता है, जिस पर कि आपको, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जिस पर कि आपको 1 GB का डेटा फ्री है। तो दोस्तों ये है सिम कार्ड ड्यू का 5G का, जिसमें कि 1 GB डेटा फ्री है। और ये सिम कार्ड आपको यहाँ पर जब आप इमिग्रेशन डेस्क पर आपका इमिग्रेशन होगा तो जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपको ये सिम कार्ड देता है। अब इसको आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो और आपको 1 GB डेटा तो आपको फ्री मिल ही रहा है। तो हम लोग अभी बैगेज बेल्ट पर हैं, हम लोग अपने बैग का वेट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एयरपोर्ट, मुझे पता नहीं यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग अलाउ है कि नहीं, तो जल्दी से दिखाऊँगा आप लोगों को। कुछ ऐसा दिख रहा है ये टर्मिनल वन जहाँ पर हम आए हैं अभी। तो गाइस आप जब इमिग्रेशन कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे तो ड्यूटी फ्री है, और ड्यूटी फ्री क्रॉस करने के बाद आप जब एग्जिट की तरफ बढ़ेंगे आगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपको सिम लेना है तो यहाँ पर एतिसलात और दीव के आपको यहाँ काउंटर मिल जाएंगे। ये सामने में थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये आप सामने देख सकते हैं, ये एतिसलात का काउंटर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इमिग्रेशन करने के बाद आपको फ्री में सिम कार्ड मिलता है ड्यू का, जो हमको मिला था, तो हमने इसको यहाँ पर, ये ड्यू का स्टोर है, यहाँ से इसको रिचार्ज किया है। और ये एरिया है यहाँ से एग्जिट करना है, यहाँ से आप मेट्रो या टैक्सी के लिए अपने हिसाब से जिस भी तरफ आपको जाना है जा सकते हैं। ये टैक्सी के लिए आप जा सकते हैं इस तरफ, और मेट्रो के लिए आपको जिधर जाना पड़ेगा बस और मेट्रो के लिए। गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3 हैं, ये दोनों टर्मिनल्स दुबई मेट्रो से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ऑल्दो जो टर्मिनल 2 है वो थोड़ा मेट्रो से दूर है, बट 1 एंड 3 कनेक्टेड हैं। तो अगर आप चाहें तो आप मेट्रो ले सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप ट्रैफिक जैम से बच जाएंगे, क्योंकि दुबई में जो पीक आवर्स होते हैं उसमें काफ़ी ट्रैफिक जैम मिलता है आपको रोड पर। एंड सेकेंड क्या है कि ये इकोनॉमिकल भी पड़ेगा अगर आप मेट्रो लेते हैं तो। और अगर दुबई मेट्रो की बात करें तो ये काफ़ी हद तक जो हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में मेट्रो है ये वैसी ही है, और मुझे यहाँ पर काफ़ी इंडियंस भी दिख रहे हैं मेट्रो में अभी, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। तो मेट्रो एक ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अपने स्टे में चेक इन करने के बाद आज काफ़ी टायर्डनेस हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी थी दुबई की, तो आज यहीं पास के एक मॉल में आ गया हूँ। बाकी दुबई घूमने का प्लान कल से स्टार्ट होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों आज दुबई का सेकंड डे है, कल फर्स्ट डे था जब दुबई में मैं आ गया था, अराइव कर गया था। और कल मैंने आपको एयरपोर्ट का शो किया था, उसके बाद मैंने मेट्रो ली थी, उसके बाद मैं अपने स्टे पर आ गया था। और कल काफ़ी थकान हो गई थी तो कल कुछ और वीडियो नहीं बना पाया था मैं। तो दोस्तों आज सेकेंड डे है दुबई में, और आज यहाँ पर मिरेकल गार्डन है, जो कि यहाँ का बहुत ही पॉपुलर गार्डन है, और यहाँ पर काफ़ी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसके काफ़ी फैक्ट्स हैं जो कि दर्ज हैं। तो आज मैं यहाँ पर मिरेकल गार्डन में आया हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक और गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन, वहाँ का प्लान है। और शाम को यहाँ पर एक ग्लोबल विलेज है, तो
तो वहाँ पर जाऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको कल कुछ चीज़ें बताया था, मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ। आप जो यहाँ के अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं इनके टिकट आप जो है एडवांस में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी पीक टाइम चल रहा है। दुबई का जो पीक टाइम होता है वो नवंबर से फरवरी चलता है, और पीक टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको टिकट यहाँ पर आने पर काउंटर पर ना मिले, तो इट्स बेटर कि आप टिकट पहले ही प्री बुक कर लें ऑनलाइन, और आप यहाँ पर आकर के फिर फिजिकल टिकट आप ले सकते हैं वो टिकट शो करने के बाद। तो दोस्तों मैं टिकट लिया हुआ है, ऑनलाइन टिकट का प्रिंटआउट मेरे पास है, मैं अभी काउंटर पर जाके और इसको शो करके मैं फिजिकल टिकट लूँगा, और मैं फिर अंदर गार्डन है इसमें एंट्री करता हूँ और आपको शो करता हूँ। तो गाइस यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री करने के बाद ये सामने यहाँ पर टिकट काउंटर है, बट मैं जो अपना टिकट का प्रिंटआउट लेके गया तो मुझे पता चला कि अगर आपने टिकट ऑनलाइन लिया हुआ है तो जो प्रिंटआउट आपने लिया हुआ है उसको लेके आप डायरेक्टली जा सकते हो, आपको यहाँ से फिजिकल टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं डायरेक्टली इसमें जा सकता हूँ, तो चले चलते हैं। ये सामने यहाँ से एंट्री है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसकी एंट्री कितनी ग्रैंड दिख रही है। और आज काफ़ी क्राउडेड है, फरवरी वैसे भी यहाँ का पीक सीजन है। ये गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो गाइस जब आप लोग मेन गेट से एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपका टिकट चेक होगा, और उसके बाद ये गार्डन की एंट्री है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये है गार्डन का पहला व्यू, और इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल और ग्रैंड गार्डन है। और जैसे जैसे ये गार्डन घूमेंगे मैं आपको इस गार्डन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देता रहूँगा ताकि आप लोग कोरिलेट कर पाएँ। तो ये गार्डन 2013 में वैलेंटाइन डे के दिन ओपन हुआ था, और ये टोटल लगभग 72,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जिसमें कि 50 मिलियन फ्लावर्स एंड 250 मिलियन प्लांट्स, मतलब 5 करोड़ फूल हैं और लगभग 25 करोड़ इसमें पौधे लगे हुए हैं। तो ये फिगर्स ये समझने के लिए काफ़ी है कि ये गार्डन कितना ग्रैंड है, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, और इसको डेली मेंटेन करना है कितना बड़ा टास्क है। तो चलिए देखते हैं और गार्डन अंदर से कैसा है। और ये देखिए सामने ये फ्लावर से बना हुआ कैसल, और उसके बगल में चीनी। और ये जो कैसल है ये काफ़ी हद तक डिज्नीलैंड में जो कैसल्स होते हैं ये उनकी तरह लग रहा है, ऑल दो ये फ्लावर से कवर्ड है तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और चीनी को देख के तो बचपन की याद आ गई। तो यहाँ पर आप ये ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और जैसा मुझे लगता है कि सारे मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और उनको फ्लावर्स से इतना फाइनली डेकोरेट किया गया है कि दूर से ऐसा लगता है कि वो फ्लावर से ही बने हुए स्ट्रक्चर हैं, और जो मैकेनिकल पार्ट है स्ट्रक्चर का वो कवर्ड है, तो वो आपको दिखता नहीं है मोस्टली जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।
ये गार्डन जब बनने वाला था तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 40 मिलियन दिरहम थी, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 90 करोड़ होती है। और ये गार्डन मेनली अक्टूबर से अप्रैल के बीच में ओपन होता है हर साल, और यूजुअली इसको मई से सितंबर के बीच में क्लोज रखते हैं, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है मई टू सितंबर, लगभग 40 डिग्री या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इस ड्यूरेशन में ये गार्डन बंद रहता है। और दोस्तों ये गार्डन इतना बड़ा है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतने सारे फ्लावर्स हैं और प्लांट्स हैं तो इनको वाटरिंग कैसे करते हैं। तो आपको बताता हूँ मैं कि जो ये दुबई मिरेकल गार्डन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर इरिगेशन मेथड को यूज़ करता है। ये एक्चुअली में ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करते हैं, और जो सिटी का वेस्ट वाटर है ये उसी पानी को यूज़ करते हैं, और उसी पानी को यूज़ करके और यहाँ पर जितने भी ये प्लांट्स और फ्लावर्स हैं इनको वाटरिंग करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि दुबई म्यूनसिपैलिटी जो है वो सिटी का वेस्ट वाटर उसको फ़िल्टर करके और गार्डन को भेजती है, गार्डन फिर से उसको रिट्रीट करता है और उसके बाद उसी वाटर को यूज़ करता है। और यहाँ पर जो डेली कंजम्पशन है वाटर का लगभग 7.5 लाख लीटर है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये वेस्ट वाटर को ही रिसाइकल कर रहे हैं, तो एक तरीके से बहुत अच्छा मेथड है यहाँ पर जो यूज हो रहा है। ये गार्डन इतना बड़ा है कि आपको इसको अगर पूरा कवर करना है तो आपको कई आवर्स लगेंगे इसमें, तो हो सकता है कि ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी बने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस गार्डन की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, एटलीस्ट जो कॉर्नर्स काफ़ी सुंदर हैं और अलग हैं, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बड़ी लगती है तो सॉरी फॉर दैट। ये जो मिरेकल गार्डन है ये एक तरीके से काफ़ी थीम बेस है, तो इसके जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट थीम पर बने हुए आपको फ्लावर्स और स्कल्पचर दिखेंगे, और ये काफ़ी हद तक मुझे डिज्नीलैंड की याद दिलाता है, ऑल्दो ये काफ़ी छोटा है डिज्नीलैंड से, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि इस पूरे पार्क को थीम बेस बनाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि इसके कुछ चीज़ें हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हैं, तो मेनली तीन चीज़ें हैं। जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि ये मिरेकल गार्डन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्टिकल गार्डन है, मतलब सबसे बड़ा गार्डन है। और दूसरा फैक्ट ये है कि एक यहाँ पर एयरबस A380 की फ़्लाइट रखी हुई यहाँ पर एमिरेट्स की, और उसको क्या किया गया है कि पूरा फ्लावर्स से उसको कवर किया गया है, तो जो ये स्ट्रक्चर है फ्लावर स्ट्रक्चर ये सबसे बड़ा है, बिगेस्ट फ्लावर स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, ये सेकंड रिकॉर्ड है। और थर्ड यहाँ पर एक मिकी माउस की टॉपियरी है, वो लगभग 18 मीटर्स है और उसका वेट लगभग जो है 35 टन्स है, वो सबसे बड़ा स्कल्पचर है वर्ल्ड में। ऐसे में टॉपियरी क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि फ्लावर्स या प्लांट को कट करके उसको शेप दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर मिकी माउस का है।
तो बेसिकली ये तीन फैक्ट्स हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हैं इस गार्डन के। और इस गार्डन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मिकी माउस का काफ़ी यूज़ किया हुआ है। मिकी माउस के छोटे स्ट्रक्चर्स, एक मिकी माउस का काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर भी है। तो मैंने पढ़ा था इसके लिए डिज्नीलैंड से जो है वो लाइसेंस लिया गया है, क्योंकि इसमें मिकी माउस जो है वो डिज्नीलैंड का है, ओरिजिनली सिंबल है। तो उसको इस गार्डन में यूज़ करने के लिए जो मिरेकल गार्डन है और डिज्नीलैंड, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि ये यूज़ कर सकते हैं। और गाइस एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको इस गार्डन के बारे में। इस गार्डन की जो थीम है और जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली हर साल चेंज होता है। मतलब अगर आप लास्ट ईयर आए हैं तो आपको ये गार्डन डिफरेंट दिखा होगा, और अगर इस साल आप आए हैं तो आपको कुछ कॉर्नर्स नए दिखेंगे या कुछ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो डिफरेंट दिखेंगे। तो एक्चुअली में जिन मंथ में ये गार्डन बंद होता है उन मंथ में इसको फिर से बनाया जाता है और कुछ नई थीम डाली जाती है इसके अंदर, कुछ नए फ्लावर्स लगाए जाते हैं सीजनल। तो आप जब भी इसको घूमने आएंगे ये गार्डन आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। और यहाँ पर लगभग 120 टाइप की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं फ्लावर्स की, और ये डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं जिनमें कि रोज़ हैं, लिली हैं, डेजी हैं, ट्यूलिप्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पेट्यूनिया दिखेंगे, जेरेनियम्स, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर्स। तो ये सारे डिफरेंट यहाँ फ्लावर्स हैं और ये आपको दिख जाएगा। आप इस गार्डन में जिस भी तरफ देखेंगे उस तरफ आपको डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैरायटी के आपको फ्लावर्स और प्लांट्स आपको दिखेंगे। तो आपको कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करेगा यहाँ पर। ऑल्दो ये काफ़ी बड़ा है जैसे मैंने बताया था, लेकिन आपको मन करेगा कि आप सारे कॉर्नर्स देखो, क्योंकि एक्चुअली में हर कॉर्नर इतना अच्छा है और एक डिफरेंट थीम पर है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एलिफेंट के टॉपियरी है, यहाँ पर फोर्ट बने हुए हैं, ये एक देखिए, एक ये यहाँ क्लॉक है जिसके कि डायल्स यूएस से आए हुए हैं, और इसकी पूरी बॉडी जो है सराउंडिंग फ्लावर्स से है। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको इस गार्डन के अंदर दिखेंगे। ये गार्डन सुबह 9 बजे से लेके और रात में 9 बजे तक ओपन रहता है। तो आप अगर चाहते हैं कि धूप और गर्मी से बचना है तो आप शाम के टाइम भी आ सकते हैं, क्योंकि दुबई में एक्चुअली में ऑलमोस्ट आपको हर टाइम गर्मी मिलेगी। जैसे फरवरी मंथ है बट स्टिल यहाँ काफ़ी धूप है, तो अगर आपको इससे बचना है तो आप शाम के टाइम आ सकते हैं। और ये गार्डन दिन में और जब रात में लाइट्स होती है तो उसमें डिफरेंट दिखता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दिन में करना है विजिट या आपको रात में करना है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप ये पूरा गार्डन घूमना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे अगर आप डिसेंट स्पीड में ये गार्डन घूम रहे हैं तो, और अगर आप स्लो घूम रहे हैं तो और ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप कम्फर्टेबल कपड़ों में आएँ, शूज़ पहन के आएँ, अपने साथ आप कम से कम पीने का पानी रखें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है दुबई में और ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग है अगर आप ये पूरा गार्डन कवर करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस गार्डन के अंदर लोगों के कंफर्ट का बहुत ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर जगह जगह पर लोगों के बैठने के लिए, उनके आराम करने के लिए यहाँ पर चेयर्स हैं,
या जैसे कि आप ये देख सकते हैं हैमक्स हैं, जहाँ पर काफ़ी लोग अभी रेस्ट करते हुए दिख भी रहे हैं। ये क्योंकि गार्डन काफ़ी बड़ा है, तो जो गार्डन मैनेजमेंट है उनको पता है कि लोगों को बीच में आराम करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है जो यहाँ पर गार्डन में किया गया है। गाइस ये है वो फ्लाइट एमिरेट्स की, जो एयरबस A380 है, जो इस गार्डन के अंदर रखी हुई है और जो वन ऑफ द गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में से है इस गार्डन के लिए। जैसा मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि टोटल 3 ऐसी चीज़ें हैं इस गार्डन की जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हैं, और उनमें से एक के ये प्लेन है जो ये एयरबस A380 है। ये टोटल 72 मीटर्स लंबा है एंड 24 मीटर्स हाइट में है। इसको पूरा डेकोरेट किया गया फ्लावर्स से, और इस पूरे प्लेन की बॉडी के ऊपर लगभग 5 लाख फ्लावर्स हैं और प्लांट्स जिससे इसको डेकोरेट किया गया है। और जो एमिरेट्स का लोगो है वो केवल लोगो में ही अकेले लगभग 9000 फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्लेन को डेकोरेट करने में कितनी मेहनत लगी होगी। और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, और अगर इसको क्लोजली देखें तो ये फुल साइज रेप्लिका है जो ये एयरबस A380 होता है, और ये पूरे गार्डन का लगभग 10% एरिया इसने कवर किया हुआ है, ये जो प्लेन है और उसके सराउंडिंग है, तो ये देखने में काफ़ी ग्रैंड लग रहा है। और गार्डन का जो ये पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेडी बियर और ये पेंगुइन के कितने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कवर्ड हैं फ्लावर्स से और प्लांट से, तो ये काफ़ी जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स हैं देखने में। और ये जो पार्ट है ये मिकी माउस को डेडिकेटेड है, और ये पूरा पार्ट जो गार्डन का है वो एक्चुअली में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था कतर में 2022 में, ये उसके थीम पर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या किया है कि जितनी भी कंट्रीज़ थी जिन्होंने 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, उन सभी को यहाँ पर एक ऐसे प्लेस दिया गया है, और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी कंट्रीज़ थी उतने मिकी माउस के यहाँ पर ये स्टैचूज हैं, और इन पर डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, और ये बीच में ये जो 2022 वर्ल्ड कप का जो ये ट्रॉफी थी इसकी रेप्लिका बीच में रखी हुई है जो कि ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये पार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ थे उन सभी के फ्लैग्स भी लगे हुए हैं जिन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, और जैसे ये देखिए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, ये सारी कंट्री ऐसे नाम लिखे हुए हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, ऐसे डिफरेंट जितनी भी कंट्रीज़ थी इन सबको ऐसे स्पेस दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है सेक्शन। अगर आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट है तो आपको ये सेक्शन ज़रूर पसंद आएगा गार्डन का।
एक चीज़ जो आप यहाँ आके नोटिस करेंगे इस गार्डन में वो ये है कि यहाँ पर हार्ट शेप को काफ़ी यूज़ किया हुआ है। और मैं इनकी वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि जो मिरेकल गार्डन है ये एक्चुअली में एज ए सिंबल तैयार हुआ था फॉर लव एंड पीस। तो इस गार्डन के अंदर आप देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी हार्ट शेप को यूज किया हुआ है। गार्डन का जो ये पार्ट है इसमें डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो चीज़ें यूज होती हैं, जैसे ये देखिए ये यहाँ पर जो है रेड वाइन बनते हुए दिखाया गया है, बैरल से गिर रहा है। और यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हाउसेज हैं, जैसे यहाँ मोस्टली चाइनीज या जापानीज जो घर होते हैं उनकी स्टाइल को यहाँ पर जो है रिप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। और कुछ कुछ मैक्सिकन घर भी हैं। तो ऐसे डिफरेंट जो कल्चर्स में जो हाउसेस या चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर असेंबल करने की कोशिश की गई है, जो ये गार्डन का पार्ट है। तो गाइस ये गार्डन लगभग कंप्लीट हो चुका है और मैं जैसा कि कोई भी जगह घूमने जाता हूँ तो मैं वहाँ का फीडबैक ज़रूर देता हूँ। तो जो मिरेकल गार्डन है उसको लेके मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आप दुबई प्लान कर रहे हैं तो ये आपकी टू डू लिस्ट में होना चाहिए। ये गार्डन आप ज़रूर आइए घूमने के लिए और यहाँ पर आके आप सरप्राइज्ड और मिसमराइज्ड आप दोनों हो जाएंगे कि यूएई जैसी डेजर्ट कंट्री में इतने बड़े गार्डन को कैसे मैनेज किया गया है, जहाँ पर कि करोड़ में फ्लावर्स एंड प्लांट्स हैं। और आप जब ये गार्डन विजिट करेंगे तो ये आपको इतना अच्छा लगेगा और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई है इस गार्डन को बनाने में और इसको डेली मेंटेन करने में। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए जब भी आप दुबई विजिट करें। और दोस्तों चलते चलते आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आप जैसे ही गार्डन के अंदर एंट्री करेंगे गेट नंबर 1 से, वहाँ से राइट टर्न लेते ही आपको ये एक इन्फॉर्मेशन काउंटर दिखेगा जहाँ पर कि मिरेकल गार्डन का मैप लगा हुआ है और जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं, जो जो चीज़ें अंदर घूमने वाली हैं उन सब की डिटेल्स हैं और एक प्रॉपर तरीके से मैप है। और यहाँ बार कोड भी है जिसको कि आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं क्योंकि गार्डन काफ़ी बड़ा है और इसको प्लान तरीके से ही घूमना ज़्यादा अच्छा ही रहेगा ताकि आप कोई भी चीज़ इसके अंदर जो है वो मिस ना करें, कोई भी कॉर्नर आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ क्लोज करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।